वेलकम बैक टू माई चैनल. आज है धनतेरस, सो हैप्पी धनतेरस टू एवरीवन. तो आज हमने प्लान किया है थोड़ी सी हम शॉपिंग करेंगे. तो अभी हम लोग जाने वाले हैं थोड़ी सी कुछ शॉपिंग करने. मुझे कुछ बर्तन चाहिए थे लेने के लिए, तो मैंने एक शॉप देखी है हमारे लोकल में ही मैं जाने वाली हूँ. तो वहाँ से मैं कुछ स्टेनलेस स्टील के बर्तन लेने वाली हूँ. क्या लेने वाली हूँ मुझे नहीं पता है, बिकॉज़ मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी है. मैंने जितने भी पुराने बर्तन थे वो सारे मैंने डिस्कार्ड कर दिए हैं. आई हैव सो मेनी थिंग्स टू बाय, बट ज़रूरी नहीं है कि मैं ले लूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ मिले. और या लेट्स सी, देखते हैं क्या मिलता है और मैं क्या लेती हूँ. वैसे शॉपिंग तो बहुत करनी है, बहुत लंबी लिस्ट है, बट यस आई हैव सेट माई बजट. तो उस बजट के अंदर ही मैं लूँगी जो लूँगी. सो मेरी फ्रेंड आ रही है, जो आप लोगों ने देखा होगा मेरे वीडियोस में रहती हैं हमेशा, वही मेरे साथ आ रही हैं. इससे पहले मैंने कभी बर्तनों की शॉपिंग की नहीं है, बट यस इस बार वो भी करना पड़ रहा है. बट या आई एम एक्साइटेड, बिकॉज यू नो जब पैसे खर्च करने को मिलते हैं ना तो बहुत मज़ा भी आता है. लेट्स सी यहाँ लोकल में क्या क्या अवेलेबल है, फिर आने के बाद आई विल शो यू कि मैंने वहाँ से क्या क्या परचेज किया है. फिलहाल तो मुझे रेडी होना है, बहुत लेट हो गया है, वो कभी भी आने वाली होगी. आई विल क्विकली गेट रेडी एंड विल गो फॉर शॉपिंग. सो इफ यू गाइज वांट टू सी माय शॉपिंग देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. आज का पूरा दिन हमारा शॉपिंग में गया है, और दिवाली शॉपिंग करने में जो मज़ा है ना, किसी भी बाकी शॉपिंग से कंपेयर नहीं की जा सकती. बिकॉज आप इतने अच्छे अच्छे चीज़ें लेते हैं, इतने प्यारे प्यारे डेकोरेटिव आइटम्स लेते हैं, तो बहुत मज़ा आता है. पूरी मार्केट जो है एकदम कलरफुल लगती है, एंड बहुत ही ब्राइट विथ लाइट्स एंड फ्लावर्स एंड दियास एंड अदर डेकोरेटिव आइटम्स. बहुत ही अच्छा लगता है ये टाइम. बट यस, कोरोना बाहर जाके तो ऐसा लगा नहीं कि कोरोना जैसा कुछ हो रखा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा क्राउड था. बट आई वॉज मेंटेनिंग डिस्टेंस एंड वेयरिंग मास्क. सो यस, तो आफ्टरनून हम लोग गए थे कुछ बर्तन वगैरह लेने के लिए जो मुझे चाहिए थे फॉर माई किचन. तो उतना कुछ खास तो मिले नहीं, जो एक्चुअली मुझे चाहिए थे वो तो मिले नहीं. सो मुझे स्टेनलेस स्टील के फ्राइंग पैन और कढ़ाई वगैरह लेने थे, वो मुझे नहीं मिले. बिकॉज हमारे यहाँ लोकल्स में इतना थोड़ा हाई एंड प्रोडक्ट्स कम ही मिलते हैं. वैसे मैं ऑनलाइन लेने वाली थी, बट मैंने सोचा एक बार लोकल मार्केट ट्राई करके देखते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिला. बट ठीक है, वो मैं नेक्स्ट टाइम ले लूँगी. बट क्या कुछ अदर आइटम्स मैंने लिए हैं वो मैं आप लोगों को आज दिखा देती हूँ क्या क्या मैंने बाय किया है. सो ये पहला आइटम मैंने जो लिया है वो है ये है स्टेनलेस स्टील का मल्टी कढ़ाई सेट, और ये एक इंडक्शन बेस है इसका. तो इसमें आपको यस कैन सी हियर, इसमें आपको दो बड़े इडली के स्टैंड मिलेंगे इस तरीके से, और एक मिनी इडली का छोटा सा स्टैंड है. देन आप इसमें ढोकला वगैरह बना सकते हो, ऐसे आपको दो मिलेंगे. और इसमें एक ऐसा मोदक बनाने वाला भी है जिसमें कोई भी आप स्टीम आइटम वगैरह ऐसा कुछ बना सकते हैं. तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कैसा है. इसके अंदर एक और ये है जिसमें सारी प्लेट्स हैं. पूरा सेट स्टेनलेस स्टील का है और इसका ब्रांड नेम है कोमल. हालांकि मैंने कभी ये ब्रांड सुना नहीं है, बट आई थिंक लोकली ये काफ़ी फेमस होगा. एंड वो शॉपकीपर अंकल भी मुझे बोल रहे थे काफ़ी अच्छा एंड नोन पॉपुलर ब्रांड है, तो यहाँ इसलिए मैंने ये ले लिया. और इसके अंदर मैं आपको ये दिखा देती हूँ क्या क्या प्लेट्स हैं. तो इसकी जो कढ़ाई है वो ऐसी है, इट्स अ ह्यूज स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई है. ये भी गीली है क्योंकि मैंने इसको वॉश करके रखा है, क्योंकि अभी डिनर में मैं इडली बनाने वाली हूँ. मैंने इडली बैटर जो है रेडी करके रखा हुआ है, और डिनर में हम लोग इडली सांभर एंड चटनी खाने वाले, तो इसलिए मैं इसको वॉश करके भी आई हूँ. तो इट्स अ वेरी ह्यूज कढ़ाई, बहुत ही ज़्यादा हैवी है, इसका बॉटम काफ़ी हैवी है. और ये अगेन इंडक्शन वाली कढ़ाई, आप इंडक्शन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं. और अगर आप कभी इडली वगैरह नहीं बनाते तो आप इसको सब्ज़ी बनाने के लिए भी इस कढ़ाई को यूज़ कर सकते हैं. मल्टीपर्पज़ कढ़ाई है इसलिए मैंने इसको लिया है. और इसके अंदर इस तरीके की दो इडली
के प्लेट्स हैं जिसमें टोटल एक में सेवन है, सेवन 14 इडलीज एक टाइम पर आपकी बन जाएंगी, तो काफ़ी अच्छा है। अभी मैंने इसको वॉश करके रखा हुआ है। इसके अलावा इसमें आपको दिस इज द मिनी इडली का प्लेट, काफ़ी क्यूट है। कभी आपको मिनी इडलीज बना के मुझे फ्राई करके बनाते हैं वो आप इसमें बना सकते हैं। तो इसमें है टोटल आई थिंक 19 इडलीज है इफ आई काउंटेड राइट, या सो अराउंड 19-20 मिनी इडलीज आपकी एक टाइम पे बन जाएंगी। नेक्स्ट है इसके इस तरीके की प्लेट है, इस तरीके की प्लेट है, इसमें छोटे छोटे होल दिए हुए हैं ताकि कोई भी स्टीम वाला डिश जो आप बना रहे हो इसमें बना सकते हैं, लाइक मोदक वगैरह जो भी गुजराती फरसान वगैरह होते हैं वो आप इसमें बना सकते हैं। और ढोकले के लिए भी इसमें दो दिया हुआ है। ढोकले के लिए इस तरीके की प्लेट दी हुई है, ऐसी दो प्लेट्स हैं, काफ़ी स्टडी एंड हैवी स्टील है, ऐसा नहीं कि मतलब एकदम से पिचक जाए, काफ़ी थिक है इसका स्टील, तो ऐसे मुझे दो प्लेट्स मिली हैं। और इसको पकड़ने के लिए यहाँ से तीन स्टैंड दिए हुए हैं, तो आपको इस तरीके से पकड़ के इसको कढ़ाई में ऐसे डालना होता है। इसका प्राइस था 2000 रुपीज़, बट वो अंकल जो है हमेशा मैं रेगुलरली उनसे कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ, तो उन्होंने मुझे 1800 में दे दिया था। मैंने अमेजोन में भी चेक किया था इसका प्राइस, इसका प्राइस कुछ 2006 रुपीज़ था। तो सिमिलर लिंक जो है मैं प्रोडक्ट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, इनकेस अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहें तो वो चेक कर सकते हैं। तो आज इसका उद्घाटन होने वाला है, इडली विडली बना के मैं चेक करने वाली हूँ हाउ इज़ द क्वालिटी एंड अदर थिंग्स। सो या दैट वाज माय इडली का बर्तन। एंड नेक्स्ट थिंग जो मैंने ली है वो है ये चॉपर, आई थिंक ये तो सबको पता ही होगा, इस तरीके का चॉपर है ये, इसमें इस तरीके का फाइन स्टेनलेस स्टील का ब्लेड आता है और इसमें आप कुछ भी चॉप कर सकते हैं, अनियंस टमेटोज वगैरह, आप कोई भी फाइन चॉप करना है, अगर आप कुछ ग्रेवी वगैरह बनानी होती है उसके लिए फाइन चॉपिंग चाहिए होती है तो आप बड़े बड़े पीसेस इसमें डालिए, जस्ट यू नीड टू पुल दिस और एकदम फाइनली ये चॉप हो जाता है। और इसका प्राइस था 200 बट ये उन्होंने मुझे आई थिंक 180 में दिया था, तो मुझे एक्चुअली ऑनलाइन से सस्ते में ही मिल गया इसलिए मैंने बाय किया, मैं ऑनलाइन इन सबका प्राइस पता करके गई थी, तो ऑनलाइन आई थिंक ये आपको 190-200 में मिल जाएगा आराम से। और ऐसा कुछ ब्रांड वगैरह तो है नहीं इसमें, लिखा है गणेश वंडर चॉपर। सो या इट्स अ क्विक एंड एफिशिएंट चॉपिंग, टियर फ्री चॉपिंग, सिंपल टू यूज़ एंड वॉश भी काफ़ी अच्छे से हो जाता है, जस्ट आपको इसका लिड निकालना है पानी में, अगर आप सिंपली रिंस भी करेंगे तो अच्छे से ही क्लीन हो जाएगा। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट किचन एसेंशियल। सो नेक्स्ट थिंग अगेन मैंने कुछ बर्तन ही लिए हैं यहाँ पे, तो पहला जो मैंने लिया है वो इस तरीके का सॉस पैन लिया है, ये काफ़ी अच्छा है, स्टेनलेस स्टील है, हैवी है और इसका प्राइस है 175 रुपीज़, इसमें अराउंड 1.5 लीटर का जो भी आप डालेंगे वो आ सकता है। और दूसरा मैंने लिया है, इससे थोड़ा छोटा सा साइज लिया है, थोड़ा छोटा है और ये वाला बड़ा है, इसमें अराउंड 1 लीटर तक आ जाएगा और इसका प्राइस है 150 रुपीज़, काफ़ी अच्छा स्टेनलेस स्टील है, थोड़ा हैवी है, जो मेरे पास ऑलरेडी है उससे काफ़ी अच्छा स्टील है तो इसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसके लिए मैंने इसको कवर करने के लिए प्लेन प्लेट ली है, वो भी स्टेनलेस स्टील की है, इसका प्राइस है 45 रुपीज़। ये थे हमारे सॉस पैन। नेक्स्ट मैंने लिया है ये, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, बट मैंने इसको लिया है कुछ घी वगैरह रखने के लिए, तो काफ़ी बड़ा है ये और इसके अंदर ऐसी स्पून मिलती है एंड दिस इज़ द कवर, अगेन ये भी स्टेनलेस स्टील का है, काफ़ी अच्छा है सर। मुझे ये अच्छा लगा कि स्टेनलेस स्टील जो है वो पतला सा नहीं है, जो एकदम यू नो फटने लगता है, काफ़ी अच्छा थिक स्टील है ये। और इसका प्राइस है 170 रुपीज़, आप इसमें घी तेल वगैरह ये सब रख सकते हैं, या अचार जो आप बनाते हैं चटनी वगैरह उन सब चीज़ों के लिए काफ़ी यूजफुल है ये, और स्टेनलेस स्टील का है तो फिर लाइफ लॉन्ग रहेगी। सो दिस वाज नेक्स्ट।
नेक्स्ट मैंने लिए हैं ये 2 मेलामाइन के सर्विंग प्लेट्स. मुझे इनका प्रिंट्स वगैरह काफ़ी अच्छा लगा था. अभी दिवाली में वैसे तो कोई घर आ नहीं रहा है, बट ऐसे कुछ आपको स्वीट या नमकीन वगैरह कुछ सर्व करनी होती है उसके लिए मेरे पास प्लेट्स नहीं थी, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी. और इसका प्राइस है 51 रुपीज़ ईच, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी. तो इस तरीके की 2 प्लेट्स तो होनी चाहिए. हालांकि मेलामाइन मुझे उतना पसंद नहीं है, बट यार देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैंने इसे लिया है. नेक्स्ट थिंग मैंने लिया है ये ब्रश, सिलिकॉन ब्रश है ये. इसका प्राइस है 75 रुपीज़. इसका ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि ये जो है ये कंप्लीट एक पीस है. ये इसका हेड जो है वो अलग नहीं है. पहले जो मेरे पास थे उसका हेड जो था वो एकदम अलग हो जाता था, उसकी वजह से बहुत जल्दी टूट गए मेरे सारे. और ये मेरे को इसलिए पसंद आया क्योंकि कंप्लीट एक सिंगल बॉडी है, इसका टूटना और अलग होना वो सब नहीं होगा. और क्वालिटी भी इसकी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, साइज भी परफेक्ट है. सो दिस इज़ माई नेक्स्ट एसेंशियल इन किचन. उसके बाद मैंने कुछ मिट्टी के दिए लिए हैं. अगेन ये मैंने स्ट्रीट से लिए हैं, बहुत ही प्यारे हैं मिट्टी के दिए. इसमें काफ़ी अच्छी डिज़ाइन बनी हुई है, इस तरीके के मैंने एक डज़न लिए हैं. मेरे पास ऐसे एक डज़न ऑलरेडी हैं और एक डज़न मैंने और लिए हैं, तो काफ़ी अच्छे लगे. मुझे स्ट्रीट शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद आता है दिवाली में. एंड द लास्ट थिंग इन दिस हॉल आर दीज चप्पल्स. ये चप्पल मैंने, ये भी मैंने स्ट्रीट से ही लिए हैं, लेकिन ये देखते ही मुझे इतने पसंद आ गए थे. काफ़ी कलरफुल हैं और इसमें यहाँ पे पॉम पॉम से डिटेलिंग है, और यहाँ पे आप देखेंगे इसमें ग्लास डिटेलिंग भी है, और यहाँ पे घुंघरू भी दिए हैं, तो काफ़ी अच्छे लगे. और इनका प्राइस है ओनली 250 रुपीज़. अगर मैं कम करती तो शायद 200 में भी मुझे दे देते, बट मैंने बार्गेन नहीं किया, उन्होंने 250 बोला, मैंने 250 में ही ले लिया. बहुत ही प्रिटी है. ऐसे ट्रेडिशनल चप्पल मेरे पास नहीं थे, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैंने ये बाय किया. सो यार दैट इज़ इट, आज की शॉपिंग मेरी इतनी ही थी. वैसे तो मुझे स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई और फ्राइंग पैन्स भी लेने थे, जो कि मुझे लोकल मार्केट में नहीं मिले. वो शायद मैं ऑनलाइन बाय करूँगी और आपसे मेरे नेक्स्ट किचन एसेंशियल्स में ज़रूर शेयर करूँगी. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. सो यार दैट्स इट इन दिस वीडियो. आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी शॉपिंग पसंद आई हो. इफ़ यस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली.